हेलो गाइस, बिना एटीएम कार्ड का अगर आप फोन पे अकाउंट यूज करना चाहते हैं बट आपको पता नहीं है, जिसके कारण यूट्यूब के अंदर इस टॉपिक पर वीडियो सर्च किए हैं कि बिना एटीएम कार्ड का फोन पे अकाउंट को किस तरीके से यूज किया जाए, पूरी तरीके से एक्सेस किया जाए। और हमारे थंबनेल को देख करके अगर आप क्लिक किए हैं तो आप 100% सही वीडियो के अंदर आए हैं। मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन में ले जा करके स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि आप बिना एटीएम कार्ड का फोन पे अकाउंट किस तरीके से यूज कर पाइएगा। तो चलिए हम मोबाइल के स्क्रीन में ले जा करके आपको सिखाते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल साउथ की टेक में नहीं हो तो नीचे एक लाल बटन है उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है। जैसे प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का होम पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको फोन पे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपका पहले ही से डाउनलोड है, इंस्टॉल है, तो फिर भी यहाँ पे सर्च करके अगर अपडेट मांग रहा है तो आपको अपडेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ फोन पे। जैसे कि आप सही से यहाँ पे गूगल पे में लिख देना है, गूगल प्ले स्टोर में फोन पे, उसके बाद सर्च कर लेना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पहले ही से इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शंस आ गया है। जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाए, डाउनलोड हो जाए या अपडेट हो जाए तो ओपन का ऑप्शंस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ओपन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ओपन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लॉग इन करना होगा, जो आप उसी नंबर से आप लॉग इन करें जो आपके बैंक अकाउंट के साथ नंबर लिंक है, और उसी नंबर आपके मोबाइल में लगा होना चाहिए और वही मोबाइल नंबर से आपको फोन पे को लॉग इन करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोसीड टू लॉग इन, तो इसी के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका 4 डिजिट का पासवर्ड याद है तो डाल करके आप पासवर्ड के जरिए से लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपका पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड ट्राई एनदर अवे, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ जाएगा, लॉग इन विथ ओटीपी, लॉग इन बाय सेंडिंग एसएमएस। तो आपको ऊपर वाला लॉग इन विथ ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा जो मैनुअली फिलअप हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फिलअप हो चुका है और यहाँ पे लोडिंग यूर फोन पे अकाउंट, जैसे कि आप देख सकते हैं लोडिंग हो चुका है। अब जैसे ही लॉग इन हो जाइएगा तो फोन पे का होम पेज कुछ इस तरीके से नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने फोन पे के प्रोफाइल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना होगा जो लेफ्ट साइड है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है बैंक अकाउंट का, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा एडिट न्यू बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा सेलेक्ट ए बैंक लिंक विथ, यानी इस नंबर से जो जिस नंबर से आप फोन पे लॉग इन किए हैं यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सारे बैंक का नाम लोगो शो हो जाएगा। जिस भी बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे सर्च बाय बैंक नाम का नाम सर्च करके भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे स्टेट बैंक के बारे में बताना है तो ये ऊपर ही साइड दिखाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो फेंडिंग अकाउंट विथ लिंक, यानी इस नंबर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना हुआ है कि नहीं है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके फेंडिंग करके आपका अकाउंट से सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट एडेड सक्सेसफुली। अब फोन पे को पूरी तरीके से एक्सेस यानी यूज करने के लिए जो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऐड किए हैं उसका पिन को ये क्रिएट करना होगा, जनरेट करना होगा, तभी किसी को पैसा भेजेंगे। तो पिन के द्वारा ही से पैसा भेज पाइएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मेरा रिसेंट पिन है, पहले ही से बना हुआ है। अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे आएगा सेट यूपीआई पिन। तो यहाँ पे आपका सेट यूपीआई पिन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो मैं यहाँ पे रेस्ट पिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं या तो आधार कार्ड से आप यूपीआई पिन क्रिएट कीजिए या तो डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड से। तो आपका स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, आधार कार्ड को सेलेक्ट करना है, या अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो एटीएम को सेलेक्ट करना है। तो मेरे पास आधार एटीएम कार्ड नहीं, आधार कार्ड है, आपके पास भी नहीं है इसलिए वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद आधार कार्ड को सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे प्लीज व्हाट लिख करके आएगा और यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर यानी 6 डिजिट जो फर्स्ट का आधार नंबर है वो यहाँ पे आपको डालना है। तो
आधार नंबर का जो पहला 6 नंबर है यहाँ पे आपको सही तरीके से देख करके डाल देना है। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक ओटीपी आएगा जो मैन्युअली फिलअप हो जाएगा, और यहाँ पे एक आधार कार्ड से भी ओटीपी आएगा जिसको आपको मैन्युअली फिलअप करना है। तो मैं यहाँ पे जैसे ये आधार ओटीपी है ऑटोमेटिक फिलअप हो चुका है, उसके बाद आपको सही के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक ओटीपी है जो मैन्युअली जो ऑटोमेटिक फिलअप हो चुका है, अब उसके बाद आपको सही के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सही के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो सेट 6 डिजिट यूपीआई पिन, यानी मेरा एटीएम कार्ड नहीं है फिर भी मैं आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट कर लिया हूँ। तो एसबीआई में ये न्यू फ्यूचर आ चुका है, पहले नहीं था अब आ चुका है। अब जो भी रखना चाहते हैं आपको यहाँ सही तरीके से डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अपना यूपीआई पिन क्रिएट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे यूपीआई पिन डाल चुका हूँ। उसके बाद आपको सही के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सही के ऊपर क्लिक कीजिएगा कंफर्म 6 डिजिट यूपीआई पिन, इससे पहले जो आप यूपीआई पिन डाले हैं नया बनाए हैं वही को आपको फिर से डाल देना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं डाल चुका हूँ। उसके बाद आपको सही के ऊपर क्लिक करना है। जैसे सही के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ सर्चिंग होगा, और सर्चिंग होने के बाद आप चंद ही सेकंड में देख सकते हैं बिना एटीएम कार्ड के, एसबीआई में मेरा एटीएम कार्ड नहीं था फिर भी यहाँ पे आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे यूपीआई पिन बना कि नहीं बना आपके विश्वास के लिए इसका बैलेंस चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे चेक बैलेंस इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना जो बनाया हूँ यूपीआई पिन वही डाल देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं डाल चुका हूँ। उसके बाद सही के ऊपर क्लिक करता हूँ। फैचिंग बैलेंस हो रहा है, और फैचिंग होने के बाद आप देख सकते हैं बिना एटीएम कार्ड के आधार कार्ड से एसबीआई में यूपीआई पिन बना करके आपके सामने फोन पे को चला करके और बैलेंस चेक करके भी दिखा दिया हूँ। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और आपका जो मन में डाउट था कि मुझे भी फोन पे यूज करना है बट मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं है, अगर आपके पास आधार कार्ड है उससे भी यूपीआई पिन जनरेट करके आप फोन पे को यूज कर पाइएगा। कोई भी कंफ्यूजन एसोसिएशन हो कमेंट करके जरूर बताना, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।